रावण बाहर खड़ा है, ए बाबा आओ। जानकी जी बोली बाबा आओ। और जैसे आया, देखो एक बात बताऊं, बहुत सुंदर कथा। रावण ने सीता का हरण बाद में किया है, सीता का हरण बाद में किया है, पहले रावण ने जानकी मैया को प्रणाम किया है। पढ़ो रामायण। सुनती बचन दस शीश रिशाना, 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 सुनती बचन दस शीश रिशाना। मन माऊ चरण बंदी सुख माना, 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 मन माऊ चरण बंदी सुख माना। जानकी के चरणों में प्रणाम किया और सीता जी को रथ में बिठाया। क्रोधवंत तब रावण लीन शिरथ बैठाए, चला गगन पथ आतुर भैरथी हाक न जा। रावण आ रथ लिए जा रहा है, बंधु रावण रथ लिए जा रहा है, जानकी माँ बैठी है और विलाप करने लगी। कैसे? हा जग एक, अरे हा जग एक पीर रघुराया, हा जग पीर रघुराया, हा जग लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायो इन्हें रोसा। नाना प्रकार से विलाप करते हुए जानकी मैया जा रही। एक बताऊं, एक बात बताऊं, बोलो क्या कोई भारत में उस समय मनुष्य नहीं था? भारत में कोई मानव नहीं था, कोई मनुष्य नहीं आया? सीता के विलाप सुनी भारी, भये चराचर जीव दुखारी। एक गिद्ध आया, गिद्ध। याद रखना कथा की प्रेमियों, बोलो भारत का एक गिद्ध आ गया। गिद्ध जिस समय द्रौपदी की सारी घटना महाभारत की, प्रेमी भक्त दोनों ध्यान देना, द्रौपदी की सारी भरी सभा में खींची जा रही थी, भरी सभा में। उस समय द्रौपदी ने कहा था क्या, किसी के रोबती देखी आकाश में, आंख की आगे न पाप सहले, और रावण गीत में का समता। ध्यान देना, बड़ी सुंदर बात कि रावण गीत में का समता, पर पंख और चोंचन से लड़ गई ले, देश वो है सब लोग वो है, और परभूति नवा कहवा चली गई रे, और लाज बचावई
पदे पर नार की भारत के गिधवो मरे कहिले राजी बजावी पदे पर नार की भारत के गिधवो मरे गौ राजी बजावी पदे पर नार की भारत के गिधवो मरे गौ राजी बजावी पदे पर नार की भारत के गिधवो मरे गौ भारत के गिधवो मरे गौ उस समय पांचाली द्रौपदी ने कहा था लग रहा कोई सभा में गिद्ध भी नहीं है बोलो सीता की विलाप सुनकर के आवाज सुनकर के एक भरत का गिद्ध आया जटायु वहीं से बोला क्या बोला गिद्धराज सुनियारत बानी रघुकुल तिलक नारी पहचान गिद्धराज वहीं से जान गया कथा के प्रेमी ये महाराजा दशरथ की पुत्र वधू है सीता बंधु संबंध क्या जोड़ा जे है श्री राम कथा भाइयों बहनों बुजुर्गों जितने लोग कथा सुन रहे हो और यूट्यूब चैनल के माध्यम से कथा का प्रसारण हो रहा आप सुन रहे हैं देख रहे हैं आप सब लोग ध्यान देना बोलो जटायु ने संबंध क्या जोड़ा शायद ही ऐसा संबंध जोड़ता है बंधु ये है श्री राम कथा श्री राम कथा इसलिए मैं तो जहां भी जाता हूं बड़ी बड़ी मंचों से बोल दिया करता हूं हमारे संत महात्मा लोग भी बोलते हैं श्री राम कथा सुनो श्री राम कथा का पाठ करो बंधु शायद कल एक बिंदु कबीर जी की एक लाइन बोली कौन हमें निज धर्म पर चलना सिखाई रोजी रामायण हमें निज धर्म पर चलना सिखाई रोजी रामायण रावण ने विचार किया अरे कौन है कि मैना की खगपत होई या तो मैना या खगपति अरे लेकिन वो तो अपने स्वामी सहित मेरे बल को जानता है मेरे पास में नहीं आएगा और गिद्धराज जटायु जब और थोड़ा आगे बढ़ा तो रावण ने क्या देखा
क्या देखा? अरे ये तो बूढ़ा जटायु गीत है, गीत है यहाँ तक गीतराज जटायु और रावण का घोर घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। एक भारत का पक्ष सुने कथा आप लोग यहाँ तक बंधु युद्ध प्रारंभ हुआ। बंधु जटायु ने अपनी पैनी चोंच से रावण के शरीर में कई घाव कर दिया। सोचन मारी पिता सिद्धे दंड एक भय मोरे छाते। रावण के शरीर से खून बहने लगा और जब रक्त बहने लगा छल मात्र के लिए मूर्छित हुआ। पास निकाली तलवार और तलवार निकाल करके किया क्या बंधु पंख पंखों को काट दिया। काटे सी पंख पराख धरनी सुमिरि राम करी अद्भुत करनी। जटायु के दोनों पंख काट दिए। सीता को रथ में बिठाया। बंधु इधर पर्वत पे कुछ बंदर भालू बैठे थे। मैया जानकी ने कुछ आभूषणों को वहां पे डाल दिया। रावण ले गया मैया जानकी को। शोकों से भरी हुई सीता ठहराई गई अशोकों में, अशोक वाटिका में ठहरा दिया। अब इधर की कथा सुनी बहुत सुंदर है, जीवन में उतारने लायक। जितनी मेरी माँ बहन भाई लोग सुन रहे हैं ध्यान दें। बंधु भगवान राम जी मारीच का वध करके वापस आ रहे थे। रास्ते में मिल गए लक्ष्मण जी। राम जी बोले भैया लक्ष्मण कहाँ? लक्ष्मण जी बोले दद्दा क्या ये आपकी आवाज नहीं थी ना? और मुकेश की मम्मी जी की तरफ से भाई 20 मुद्रे हमारे लिए भेंट है दूध पीने के लिए, प्रभु कल्याण करे। अरे वो तो मायावी की मारीच की आवाज थी। गड़बड़ हो गया। राम जी बोले भैया लक्ष्मण सुनो, कहता है मेरा वाम नेत्र अब नहीं जानकी आश्रम में। देखो मनुष्य का हमारा आपका यदि बायां अंग बायां नेत्र फलके तो अशुभ होता है, अशगुन। मेरी माँ बहन सुनो, आप लोगों का यदि दाहिना अंग या दाहिनी आंख फलके तो अशुभ होता है। माँ बहनों का दायां अंग या दाहिनी आंख और मनुष्य का हमारा आपका बायां बाई आंख अगर फलके तो अशुभ अशुभ समाचार मिलने वाला। भगवान राम लक्ष्मण आए बंधु आश्रम के पास, देखा जानकी नहीं। आज राम जी एक विरही बन गए। बोलो जो जगन निरंतर जगदाधार सर्वेश्वर सचिदानंद आनंद गण परात्र ब्रह्म वो एक विरही बन गए। और विरही बन के पेड़ों से पौधों से आज वो परमात्मा पूछ रहा कैसे हे खगमृग हे खगमृग हे मधुकर सेनी हे खगमृग हे मधुकर सेनी तुम देखी सी ताम्रग नैनी हे खगमृग हे मधुकर सेनी तुम देखी सी ताम्रग नैनी खगमृग हे मधुकर सेनी तुम देखी सी ताम्रग नैनी मधुकर सेनी हे खगमृग हे मधुकर सेनी तुम देखी से ताम्रग नैनी।
अब आप लोग ध्यान देंगे, बोलो। दुनिया कहती भगवान राम ने तो पेड़ों पौधों से पूछा। ध्यान बना रहे कथा के प्रेमियों, मेरे राम जी ने जिससे पूछा ठीक उसी ने उत्तर दिया, ठीक उसी ने उत्तर दिया। चौपाई में पहला किसका नाम आया है? खग। खग तो आगे कौन मिला? खग माने पक्षी जटायु कीट। आगे कौन मिला? आगे परा कीट पति देखा। आगे परा कीट पति देखा। आगे परा कीट पति देखा। सुमिरत राम चरण दीन रेखा। आगे परा गीत पति देखा। सुमिरत राम चरण दीन रेखा। आगे परा गीत पति देखा। सुमिरत राम चरण दीन रेखा। आगे परा गीत पति देखा। सुमिरत राम चरण दीन रेखा। गीतराज जटायु आगे पला है, जो भगवान श्री राम के चरणों के चिन्ह की जो रेखाएं स्मरण कर रहा है। बंधु चरणों के चिन्ह की जो रेखाएं स्मरण कर रहा है, राम राम रट रहा है। भगवान ने विचार किया, लग रहा है सीता का पता लग जाएगा, सीता का पता लग जाएगा। कर सरोद सिर परस्यो कृपा सिंधु रघुवीर। शरीर पे अपना कर हाथ ऐसे स्पर्श किया, निरख राम छवि। बंधु जटायु ने राघव के स्वरूप को देखा तो विगत भई सब पीर, सारा दुख दूर हो गया। और भगवान श्री राम ने जटायु से पूछा, ये बताओ आपकी ऐसी दशा किसने किया? क्या बात है? गीतराज जटायु से राघव ने पूछा, आपकी ऐसी दशा किसने की है? तो जटायु बोला, क्या? जटायु के नेत्रों से आंसू बल 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 बह रहे, सारे शरीर से खून यानी रक्त की धारा बह रही है, और मुख से क्या निकल रहा है? राम राम राम। बोलो। जटायु बोला, सरकार सुनो, बुलनाथ दशानन यह गति की देखल जन के सुता हरि लीली। लय दक्षिण दिश गयहु गोसाई बिलपति अति कुररी की नाई। बोलो, आज भगवान श्री राम जी को भटकना यानी भटकने से थोड़ा राहत मिल गई। शायद भगवान राम पश्चिम चले जाते, पूरब चले जाते, उत्तर चले जाते। जटायु ने दिशा का ठीक पता बता दिया, क्या? लय दक्षिण दिश गयहु गोसाई बिलपति अति कुररी की नाई। बंधु अच्छा, बंधु दरस लाग तब राखो प्राणा। सरकार बस आपके दर्शन के लिए प्राण बचे, चलन चाहत जब मैं मरना चाहता हूँ। राम जी बोले, क्या? राम कहा तन राखूं ताता, मुख मुझसे काई कही ते ही बात। हम आपको मरने नहीं देंगे। क्यों? क्या बात है? बोलो। एक मांसाहारी पक्षी जो मांस खाने वाला, और राम जी कहते क्या है? राम कहा तन राखहु ताता, मुख मुस्काई कही ते ही बात। हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, यदि तुम मर के पहले जाओगे तो हमारे पिता से जाके क्या कहोगे मालिक?
क्या कहोगे? पुत्र बधू हरी गई तुम्हारी, पुत्र बधू हरी गई तुम्हारी, पुत्र बधू हरी गई तुम्हारी, पुत्र बधू हरी गई मेरे पिता दशरथ से जाके यही कहोगे क्या? महाराज आपकी पुत्र वधु सीता का हरण हुआ है। भाई हवन प्रारंभ है, जिन भक्तों को हवन करना है जाकर के आप लोग हवन में भाग ले। बोलो यज्ञ भगवान की जय हो। जाकर के मेरे पिता से कहोगे कि आपकी पुत्र वधु सीता का हरण हुआ तो मेरे पिता को दुख पहुंचेगा, कष्ट होगा। और सुनो, यदि रावण को मार के मैं पहले भेजूंगा तो रावण मारी प्रथम पहुंचावे, रावण मारी प्रथम पहुंचावे, रावण मारी प्रथम पहुंचावे, अरे रावण मारी प्रथम पहुंचावे, ताके मुख संदेश सुनावे, रावण मारी प्रथम पहुंचावे, ताकि मुख संदेश सुनावे, रावण मारी प्रथम पहुंचावे, ताकि मुख संदेश सुनावे। और रावण को मार के मैं पहले भेजूंगा, रावण जाके मेरे पिता से कहेगा क्या कि पुत्र बधू हम हरी तुम्हारी कुल समेत मोई बधेउ बिहा, आपकी पुत्र बधू सीता का मैंने हरण किया, तुम्हारा पुत्र इतना वीर निकला, बलवान निकला, जो पूरे परिवार सहित कुल समेत मोई बधेउ बिहारी मार दिया, तो मेरे पिता की आत्मा को शांति पहुंचेगी, शांति पहुंचेगी। इसलिए हम आपको रखेंगे बंधु। यही कथा मैं एक जगह सुना रहा था गिद्धराज जटायु की, तो एक भैया जी बोले महाराज जी गीध अब कहां है? बोले गीध तो है नहीं। अच्छा ईमानदारी से आप लोग बताना, जितने लोग बैठे हो और बैठी हो, गीध अब है या नहीं है? नहीं है, है हाँ, 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 अब समझने वाले समझ रहे होंगे, थोड़ा गहराई से बात ध्यान देना मेरी। गीध एक संत जी बोल रहे थे, मेरे को याद आ गया, एक महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे, लोग कहते हैं गीध नहीं है, और संत भगवान कह रहे थे गीध अब पहले से ज्यादा हो गए। आप लोग समझ गए हो मेरी बात को? समझ सब लोग समझ गए, पहले से गीध अब ज्यादा हो गए। क्यों? अब पहले गीधों के पंख थे, उड़ उड़ के मांस खाते थे, चोंच थी, अब चोंच पंख हटा दिए गए, अब मालूम अब कोई अब पंख नहीं रहे, अब कोई कोई गिद्धन पास मालूम है मोटरसाइकिल मार जा रहे झम 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 झम, और कोई कोई गिद्धन पास मालूम का फोर व्हीलर चार पहिया गाड़ी जा रहे। बंधुओं याद रखना, महात्मा जी ये कह रहे थे जो गिद्धों का काम करे वही तो है गिद्ध। क्षमा करना भाई, अब बात आ गई तो मैं बता रहा हूँ। और देखो हम लोग नहीं बोलेंगे नहीं बताएंगे तो बताएगा क्या? कौन बताएगा? इसलिए अगर कोई मीट मांस खाते हो, मछली खाते हो, तो याद रखना मेरा करवट निवेदन है, प्रार्थना है, खाना बंद करो, ये खाना बंद करो। बाबा जय गुरुदेव जी देखो जगह जगह बड़ा नारा लगाए गए, बहुत नारा उनके शिष्य लोग आज भी, बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना, जगह जगह दीवारों पर लिखा। खैर
बंधु आज गिरिधराज जटायु ने कहा प्रभु चलन चाहते अब कृपा निधाना, अब हम चलना चाहते हैं। यहां तक राघव की गोदी में जटायु ने अपने प्राणों का परित्याग किया, अपने कर कमलों द्वारा अपने हाथों से राम जी ने जटायु का अंतिम संस्कार किया। याद रखना गीधक क्रिया काज प्रभु करके, अरे दोनों भैया बड़े अकाली पहुंचे सबरी की नगरिया, धनी सबरी पहुंचे सबरी की नगरिया, धनी सबरी पहुंचे सबरी की नगरिया, धनी सबरी गीधक क्रिया काज प्रभु करी दोनों भैया बड़े अकाली पहुंचे सबरी की नगरिया, धनी सबरी पहुंचे सबरी की नगरिया, धनी सबरी। गृधराज जटायु का संस्कार करके मेरे राम जी आगे बढ़े, कहां माता सबरी के आश्रम पर। और जैसे माता सबरी के आश्रम पर मेरे राम जी पहुंचे, बंधु सबरी राम मिलन की पावन कथा थोड़ी आप सब लोग सुने, आनंद और ज्ञान की चर्चा। जय हो जय हो जय हो। क्या नाम भैया? रिंकू भैया की तरफ से भाई ये पुष्पों का हार। परमात्मा सुखी संपन्न बनाए रखे भैया को, पढ़ लिख के भैया महान बनो, ये आशीर्वाद व्यापी से है। बोलो गोविंद भगवान की जय। सबरी राम मिलन की कथा आप लोग सुने, एक विशेष बात विशेष कथा इसमें। राम जी सबरी के यहाँ जब पहुंचे, सबरी के यहाँ पहुंचे तो तुलसी बाबा ने रामायण में लिखा है क्या, सबरी जानी राम गृह आए, 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 उनके बचन समझे जिया पाए, उनके बचन समझे जिया पाए, उनके बचन समझे जिया पाए, उनके बचन समझी जिया भाई, उनके बचन समझी जिया भाई। सबरी जान राम गृह आए, मुनि के बचन, मुनि कौन है सुने आप, बड़ी सुंदर चौपाई की व्याख्या, मुनि के बचन ओ मुनि कौन है, महात्मा मतंग मुनि। सबरी के गुरु का नाम क्या था? सबरी के गुरु का नाम था महात्मा मतंग मुनि या महात्मा मतंग ऋषि, सबरी के गुरु का नाम। बंधु आओ थोड़ी बचपन की कथा बता दूं, बात समझ में आ जाएगी। सबरी के पिता का नाम क्या था? सबरी के पिता का नाम था राधा सबर, राधा सबर। अच्छा जे सबरी जब धीरे धीरे कुछ बड़ी हुई, सबरी जब कुछ बड़ी हुई तो राजा सबन ने मन में विचार किया, मेरी बिटिया शादी के योग्य हो गई है और कहीं हम अच्छे परिवार में कुल खानदान में विवाह करें, शादी करें बिटिया की। अब वर की तलाश करने लगे। बंधु सबरी के योग्य जब वर मिल गया,
ढूंढो बर शबरी के योगा। शादी तय हो गई फला तारीख को बरात आएगी। ठीक, इधर राजा शबन ने विचार किया, देखो पहले भाई इस जाति में बिरादर में मांस खाया जाता था मांस। राजा शबर जंगल को चले गए, विचार किया हिरण मांग मार लाऊं मैं, 100 हिरण एक साथ में पकड़ लाए और पकड़ के दरवाजे के पास बांध दी। बांध दी, विचार क्या हो सकता है कम पड़ जाए। पुनः जंगल को चले गए राजा शबर शबरी, और उसी दिन शबरी की शादी यानी विवाह होना, बरात आनी। परम भक्ता शबरी अपने घर से बाहर आई, देखा क्या मेरे दरवाजे पे इतने सारे हिरण बंधे। परिवार के लोगों से पूछा के भाई इन हिरणों का क्या होगा, मृगों का क्या होगा। लोगों ने बतलाया शबरी सुनो बिटिया, आज तुम्हारी आएगी बारात, ये हिरण सब मारे जाएंगे, जबे किए जाएंगे, इन हिरणों का जनाती बराती सारे लोग मांस खाएंगे मांस। अरे राम राम राम। परम भक्ता शबरी ने विचार किया मेरे एक जीव के लिए तमाम हत्याएं होंगी। माता शबरी ने हाथ में चाकू लिया और सब मृगों की रस्सियां काट दी। मृग जंगल की तरफ भागते हैं और शबरी भी कहां को गई है। संत लोग गाया करते हैं क्या, अरे सुन के शादी की, अरे सुन के शादी की खबरिया घर से भागी शबरी, सुन के शादी की खबरिया घर से भागी शबरी, सुन के शादी की खबरिया घर से भागी शबरी, 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 सुन के शादी की खबरिया घर से भागी शबरी, सुन के शादी की खबरिया घर से भागी शबरी। और गई कहां, कहां पहुंची, चली जात बन माध्य गंभीरा, पहुंची जाई ऋषि के तीरा। ऋषियों के समूह में शबरी पहुंच गई और जैसे पहुंची, एक बात बताऊं, पहले भी बड़ा जातवाद था, ये वाद कब समाप्त होगा भगवान जाने, बड़ा जातवाद।